मेरे प्यारे बच्चे और बच्चिया, जय स्वामीनारायण। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उसके बारे में पढ़ा, और ये चैप्टर के अंदर एक तीसरा और अंतिम एक पॉइंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति यानी जो दलित वर्ग है, पछात लोग है, जो जिसको कुचले वर्ग हम कह सकते हैं। गांधी जी ने जिसको हरिजन शब्द दिया था, हरिजन, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद दूसरा टॉपिक था अनुसूचित जनजाति, तो वो आदिवासी, जो आदिवासी लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ी विस्तार में रहते हैं, पर्वतीय विस्तार में, ऐसे आदिवासियों के बारे में हमने जाना। और ये चैप्टर के अंदर तीसरा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द अदर्स बैकवर्ड क्लास, ओबीसी और एससीबीसी से भी वो जाना जाते हैं। तो हमारे समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर आती है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछात है, पिछड़ा जो वर्ग है, ऐसे बहुत सारे वर्ग जातियां हैं, तो उसको ओबीसी नाम दिया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अंदर बहुत सारी जातियां आती है। जैसे मैं सुथार मिस्त्री हूँ, तो हम भी ओबीसी में आते हैं, अन्य पिछड़ी जाति। तो हमारा शैक्षणिक और आर्थिक विकास, इसके लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, वो जातियों का भी भारत के अंदर विकास हो, उसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार ने किए। जैसे हमने आगे देखे अनुसूचित जनजाति जाति का भी आगे और लोगों का विकास हो, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार ने किए। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी बाकी नहीं, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए उनका विकास करने के लिए, वो सब ये टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज नया टॉपिक चालू करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। इन दोनों समूहों के पश्चात भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों का भी उल्लेख है, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों को लिया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपूर्ण भारत की कोई सूची नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों ने यह सूची बनाई है। इसी सूची में कई विसंगतियां दिखाई देती है। तो कौन कौन सी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंदर लिया जाए, उसके लिए एक कमेटी की रचना भी की थी सरकार ने, और भी कमेटी वालों ने पूरे भारत के अंदर सब जातियों का सर्च किया, सर्वे किया, और उसके बाद जो कमेटी बनाई थी, वो लोगों को लगा कि पिछड़े जाति में उसको रखे ना रखे, वो फिर निर्णय लिया गया। तो जो सूची बनाई थी सरकार ने, जो मंडल का अपॉइंटमेंट किया था, वो मंडलों ने जो सूची बनाई थी, इसके अंदर कई विसंगतियां भी दिखाई दी, विसंगतियां भी थोड़ा बहुत गलत भी था। तो फिर आगे सरकार ने जो भी क्या किया, आगे देखते हैं। भारत में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1953 में कमीशन आयोग बना। इस कमीशन ने देश में 2399 जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में समाहित किया। तो सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, तो काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1953 में कमीशन आयोग बना, एक आयोग बनाया, कमीशन आयोग बनाया। वो क्या करेगा, तो पूरे भारत में जो भी पिछड़ा वर्ग है, तो कौन कौन सी जाति को ये पिछड़े वर्ग में लिया जाए। आदिवासी तो पता चल गया कि भाई भील जाति है, राठवा जाति है, वो सब आदिवासी में, चलो बराबर है। लेकिन इसके अंदर पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जाति को लिया जाए, कौन शैक्षणिक सामाजिक पछात है, वो सब सर्च करने के बाद ये आयोग ने बहुत सारी जो जातियाँ थी उनकी सूची बनाई।
तो एक कमीशन ने जो सूची बनी इसमें कितनी जातियों को लिया? 2399 जातियों को भारत के अंदर पिछड़े जाति के तहत लिया गया। इन जातियों का अनुपात उस समय देश में 70% था, 70% पूरे देश में 70% जातियां जो पिछड़े वर्ग में लेने के लिए कमीशन ने दरखास्त की। इस कमीशन ने सामाजिक दर्जे का कोटिक्रम और पिछड़ेपन के मापदंड को स्वीकार, अपन तो इसकी संस्कृति स्वीकार नहीं की गई। तो ये जो पिछड़ी जातियां थी वो लोगों का दो पहलू देखा गया, एक तो सामाजिक दर्जे का और पिछड़ेपन का। सामाजिक स्टेटस भी वो लोगों का नहीं था, जो पिछड़ी जातियां थी वो लोगों का कोई सामाजिक स्टेटस नहीं, समाज में कोई आगे बढ़ा हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसा भी नहीं था। और पिछड़ापन यानी आर्थिक तरीके से भी वो कई लोग आगे नहीं थे। तो दो मापदंड से ये देव दो मापदंड दे लिए और ये दो मापदंड से क्या किया, तो ये जो जातियां है वो लोगों का वर्गीकरण किया, वो लोगों का एक सूची बनाई। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुलक्ष्य को लेकर 1979 में दूसरा आयोग बनाया। फिर भारत सरकार ने क्या किया, थोड़ी विसंगति दिखाई दी, थोड़ी बहुत विसंगति भी थी, परफेक्ट तो था नहीं। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने दूसरा कमीशन बनाया। कब बनाया? 1979 में। इस आयोग के अध्यक्ष श्री वीपी मंडल थे। इस आयोग को मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। पहला जो आयोग बनाया, पहली जो कमेटी बनाई, मंडल बनाया, उसका कौन था? काका साहेब कालेलकर। दूसरा जो मंडल बनाया उसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? सी वीपी मंडल। इसलिए वीपी मंडल, मंडल साहब उसको अध्यक्ष बनाया मंडल के। दूसरी जो कमेटी बनाई सरकार ने ये भी संगतियां दूर करने के लिए, तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया? मंडल साहब को। इसलिए वो आयोग को मंडल आयोग के रूप में भी भारत के अंदर सब लोग पहचानते हैं, पहचाना जाता है। इस आयोग के विशेषज्ञों में समिति के अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त भारत के समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास थे। मंडल कमीशन को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया था, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास वो भी इस समिति के अंदर जुड़े हुए थे। और ये जो समिति बनाई थी वो समिति के अंदर जो मंडल कमीशन बनाया गया था वो लोगों को कौन से कार्य सौंपे गए, तो वो हम वन बाय वन पढ़ते कौन से कार्य सौंपे गए। तो पहला, ये मंडल को क्या क्या काम करना था, कौन सी ड्यूटी करनी थी, तो तीन ड्यूटी भारत सरकार ने ये मंडल को सौंपी। कौन कौन सी तीन? इसमें सबसे पहले है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निश्चित करने के लिए मापदंड बनाना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको निश्चित करने के लिए मापदंड बनाना, एक मापदंड बनाओ, एक माप बनाओ कि जैसे कोई रहेगा समाज है, रहेगा समाज में जितने भी लोग हैं इतना ही पढ़े लिखे, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, तो एक मापदंड हुआ कि भाई चलो 8वीं के बाद कोई पढ़ता ही नहीं है, 8वीं तक ही पढ़ते होते सब रहेगा समाज के लोग, तो एक मापदंड हुआ कि भाई 8वीं कक्षा बराबर, तो 8वीं कक्षा के ऊपर जाते नहीं तो शैक्षणिक पछात है, एक मापदंड हुआ। ठीक है, सामाजिक, सामाजिक भी देखिए कि भाई फुलवारिया समाज है तो फुलवारिया समाज के अंदर भी क्या है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बड़े पद भी नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, तो एक मापदंड हम जान सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा मापदंड बनाया कि यहाँ से ऊपर वाले ये जो माप है इससे ऊपर नहीं गए, यानी वो लोग क्या है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पछाते पिछड़ा वर्ग के, ऐसा हम तय करेंगे। इस तरह से सब जातियों का वर्गीकरण किया। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए संस्कृति करना। पहले तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से कौन कौन सी जातियां पछाते वो ढूंढना है, और दूसरा उसका विकास करने के लिए भी आयोजन करना है कि चलो भाई पिछड़ी जातियाँ कि भाई रैगर समाज के फुलवारिया समाज ऐसे दो चार जातियाँ मिल गई कि चलो पछाते सामाजिक शैक्षणिक, फिर उसका विकास भी करना तो है ना, पछात
पूरी जिंदगी, 75 तो रखना नहीं है, उसका विकास भी करना पड़ेगा। तो उसके विकास करने के लिए, उसके विकास के करने के लिए क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या प्रयत्न करें, उसके लिए भी आगे क्या किया सरकार ने मापदंड बनाया, वो उसका भी उन्होंने एक प्रस्तुति किया। तीसरा, सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था के लिए संस्कृति करना। सार्वजनिक जो सेवा है, सार्वजनिक सेवा यानी गवर्नमेंट की जो भी सेवा होती है सब सार्वजनिक सेवा कही जाती है। सो गवर्नमेंट की जितनी भी सेवा है वो सब क्या है, सार्वजनिक सेवा। तो सार्वजनिक सेवा में प्रतिनिधित्व के लिए नौकरी के अंदर क्या किया, तो आरक्षण, नौकरी में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछात जातियाँ, वो लोग सार्वजनिक यानी सरकारी नौकरी में आए, सरकारी नौकरी लोगों को मिले, उस लिए उनको क्या किया गया, आरक्षण दिया गया कि भाई सरकारी नौकरी में इतना प्रतिशत आरक्षण। जैसे हम ओबीसी वाले हैं, मैं खुद ही पिछड़े वर्ग में आता हूँ ओबीसी में, तो हर सरकारी नौकरी में 27% हमारा आरक्षण सीट होती है। तो वो जैसे कोई सरकारी भर्ती बाहर निकली है जिसमें 100 सीट है, तो 100 सीटों में से 27 सीट तो हमारी ओबीसी वालों की है। इसमें कोई आदिवासी नहीं आ सकता, SC ST वाला नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। इसमें ओबीसी की जितनी जातियाँ हैं ना, वो लोगों में से ही ये 27 सीटों के अंदर नौकरी मिलेगी। ऐसे आदिवासियों का भी आरक्षण अलग होता है कि भाई 100 में से 10 सीट वो आदिवासियों की, तो इसमें आदिवासी की कोई भी जाति का लोग गया ऐसे में, बाकी इसमें मैं भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से सार्वजनिक जो होता है नौकरी वगैरह, इसमें भी आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन निश्चित करने के लिए किए गए मापदंड। तो मंडल द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्ग का भी ये क्या किया, निश्चित किया मापदंड कि ये जाति के अंदर एजुकेशन का इतना प्रमाण है, तो ये समाज का भी इतना प्रमाण है, तो एक क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पछात कहा जाएगा। तो वो मापदंड भी नक्की करने का, तय करने का काम भी ये आयोग को सौंपा गया। मंडल आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए निश्चित किए गए मापदंड। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन निश्चित करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ऐसे तीन विभाग में निम्नलिखित मापदंड अपनाए थे। ये मापदंड निम्नलिखित है। तो मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ऐसे तीन विभाग में सब जातियों का वर्गीकरण किया। मंडल ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ऐसे तीन विभाग में वर्गीकरण किया कि तीन विभाग में कोई जो जाति आती है, ठीक है, तो वो सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से पछात कही जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मंडल आयोग ने ये सब कार्य किया। तो जो तीन तरीके से मापदंड बनाए, ये जो मंडल आयोग था, ये मंडल आयोग ने तीन प्रकार से वर्गीकृत किया, मापदंड बनाया कि भाई ये जाति है, जैसे रेगर समाज की जाति है वो सामाजिक पछात है, समाज में वो जाति का किसी का कोई वर्ग नहीं है। फिर दूसरा देखा कि भाई शैक्षणिक तरीके से भी रेगर समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, 8वीं तक ही सब लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। तीसरा आर्थिक, कि भाई ये रेगर समाज के लोग बस ये छोटा मोटा काम करते, कोई बड़ा कोई बिजनेस हो, किसी का कोई व्यवसाय वैसा कोई है नहीं। तो तीन तरीके से सब जातियों जितने भी थे वो सब जातियों का उन्होंने एक मापदंड नक्की किया कि समाज में इतना स्टेटस है तो वो पछात है, शैक्षणिक रूप से इतना ही पढ़ाई लिखी है समाज के अंदर, इस जाति के अंदर, तो ये सब पछात है। समाज के अंदर जो भी जाति है वो जाति के सब लोग इतनी ही वो लोगों के घर में आए हैं तो वो पछात है। ऐसे नक्की किए मापदंड, वो कौन कौन से मापदंड है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।